नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडी टाइम्स में। दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली चुनाव आयोग से 22 मई को मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव किशन शर्मा और वकील नीरज गुप्ता शामिल थे। सीईओ को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि दिल्ली में वोटिंग के लिए आने वाली बुर्का पहने महिला मतदाताओं का उचित वेरिफिकेशन किया जाए। बीजेपी के इस मांग पर ओवैसी भड़क उठे हैं। दिल्ली में शनिवार को चुनाव होने वाले हैं। मतदान से पहले बुर्के पर राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बुर्के में वोटिंग के लिए आने वाली महिलाओं की उचित वेरिफिकेशन की मांग की है। यह मांग चुनाव आयोग से की गई है। दिल्ली भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली चुनाव आयोग से 22 मई को मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में विधायक अजय महावर और मोहन सिंह बिष्ट, प्रदेश सचिव किशन शर्मा और वकील नीरज गुप्ता शामिल थे। सीईओ को दिए ज्ञापन में मांग की गई कि दिल्ली में वोटिंग के लिए आने वाली बुर्का पहने महिला मतदाताओं का उचित वेरिफिकेशन किया जाए। ओवैसी ने जताई आपत्ति। भाजपा के इस कदम पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क उठे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा मुस्लिम औरतों के परेशान कर रही है। ओवैसी ने कहा कि जब पहले से ही घूंघट और बुर्के में होने पर जांच है तो भाजपा ऐसी डिमांड क्यों कर रही है। ओवैसी ने एक्स पर लिखा, भाजपा के दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। तेलंगाना में पिछले दिनों हुए लोकसभा के मतदान के दौरान इनके उम्मीदवार ने मुस्लिम ख्वातीन की सरेआम बेइज्जती की और परेशान करने का काम किया। हर चुनाव में भाजपा कोई न कोई बहाना ढूंढ कर मुस्लिम ख्वातीन को परेशान करती है और निशाना बनाती है। पर्दानशीन औरतों को लेकर निर्वाचन सदन के साफ कवायद और जाब्ते हैं, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में। बिना तस्दीक जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है, तो फिर भाजपा को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी। बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। भाजपा ने कहा कि जो लोग बुर्का या फेस मास्क पहनकर मतदान करने आते हैं, उन्हें पूरी जांच के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक महिला अधिकारी या महिला पुलिस अधिकारी को ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, और भी ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें इंडी टाइम्स।